बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं रात को लेट आप सबको तकलीफ़ दे रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि काफ़ी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से, और आज भी जो एक फ़ैसला सिंध हुकूमत कर रही है वो एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है। कोरोना वायरस की वजह से कल डॉक्टर हजरात ने सूबह सिंध के जो काफ़ी मशहूर डॉक्टर्स थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खदशा बताया कि जी जिस तरीके से ये बीमारी फैल रही है, अगर बड़ी जगह बड़े इज्तमात को कंट्रोल ना किया गया तो ये और ज़्यादा फैल जाएगी, और फिर अस्पताल इस मर्ज़ के लिए जो हम फ्रंट लाइन अपने डॉक्टर्स कहते हैं वो भी बेबस हो जाएंगे। उसके बाद आज पंजाब के भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने इन्हीं खदशों का इजहार किया। जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी तो मैंने सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से बात की। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मैंने इज्तमात के हवाले से बताया कि जी जहाँ तक बाकी जगहें हैं जैसे शॉपिंग सेंटर्स, हमें कुछ इतलात मिली थी कि कहीं पे जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो एसओपीस को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, हमने उनको इमीडिएटली बंद कर देने का हुक्म किया और वो सील हो गए। छोटे ताजर थे उनके साथ भी बात की और उन्हें इस बात पे एग्री कराया या उन्होंने खुद एग्री किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, कि सिर्फ ऑनलाइन यानी होम डिलीवरी होगी दुकानों पे। बाकी जो इज्तिमात की एक और मसाजिद की बात थी तो ज़रूर सदर पाकिस्तान ने सब मिलके एक फ़ैसला किया था, और इस सिलसिले में मैंने उन्हें कहा कि जी हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। सदर साहब ने बहुत मेहरबानी की और ना सिर्फ मुझे फ़ोन पे समझाया अच्छी तरीके से कि जी नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा फ़ैसला जो है वो बिल्कुल फर्म नहीं है, वो हालात के हिसाब से चेंज हो सकता है। फिर उन्होंने अपनी पर्सनल ट्वीट से एक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की, और इस ट्वीट में उन्होंने पूरा वजाहत की, और मैं ये वजाहत जो इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर किसी वक्त हुकूमत वफाकी या सूबाई को ये महसूस होता है कि कोरोना वायरस की वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं या और ख़राब हो सकते हैं, हुकूमत इस पॉलिसी को तब्दील कर सकती है, और इस मुआहदे की बिना पे इस फैसले की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी जिसको उलमा इकराम हिमायत करेंगे। इस वजाहत के बाद और सदर पाकिस्तान से बात करने के बाद मैंने फिर डॉक्टर हजरात से सलाह मशवरा किया। उन्होंने मुझे कहा कि जी अगले 10 से 15 दिन बहुत ज़्यादा इस वबा के हवाले से मुश्किल आने वाले हैं, इस वजह से हमने जैसे दुकानों का फ़ैसला किया, बड़े स्टोर्स को बंद किया। हमने कहा कि जी मसाजिद वैसे ही खुली रहें जैसे पहले थी, मसाजिद में अजाने भी हों। कल जुम्मा है, जुम्मे के दिन जैसे पिछले 4 जुम्मों में हमने किया है कि 12 से 3 बजे एक सब किस्म का लॉकडाउन करते हैं, मस्जिद में जो मुतय्यन लोग हैं वो नमाज़ पढ़ें, जमात नमाज पढ़ें। कल इंशाल्लाह ताला परसों से रमज़ान शरीफ शुरू होगा, कल रात तरावियाँ होंगी, उसके लिए भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मस्जिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोग घरों में तरावियाँ पढ़ें। ये बात मैंने सदर पाकिस्तान से कही और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुकूमत सिंध अगर समझती, और हम नहीं समझते, जो एक्सपर्ट्स हैं जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी राय के मुताबिक हमने फैसला करते हुए, और ये फैसले भी हुकूमतों ने करने हैं, ये मुश्किल फ़ैसले हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इसलिए हमने ये मुश्किल फ़ैसला किया है। अल्लाह ताला हमें सही रास्ता दिखाए। इस वक्त जो समझ आ रही है और जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं उनको देखते हुए हम ये फैसला कर रहे हैं। मेरी उलमा इकराम से भी दरख्वास्त है कि हुकूमत के साथ तआवुन करें। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अगर ये फ़ैसला गलत है अल्लाह ताला ज़रूर हमारी नीयत को देखते हुए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह करे कि जो खतरात या जो हमें नज़र आ रही हैं आगे चीज़ें वो ना हो, अल्लाह ताला करम करें, और आज से 10-15 दिन बाद जब हम दूसरे या तीसरे अशरे में रमज़ान शरीफ के जाएँ तो उसी तरीके से खुद तरावियों पर हों, मस्जिदें
पूरी तरीके से भरी हुई हों, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब हम देखें कि इस वबा पे दुनिया भर में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कुछ काबू पा लिया गया हो। हमारे अस्पतालों में इस वक्त ओवरफ्लो कर रही हैं, रोज़ाना सौों की तादाद में नए मरीज़ आ रहे हैं। हमारी जो सहूलियात हैं हम उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे अस्पताल से जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाए। एक बार फिर मैं बता दूं कि हुकूमत सिंध ने ये फ़ैसला किया है डॉक्टर साहिबान की मशावरत के बाद, उनकी जो ख़तरात हैं उनको नज़र में रखते हुए, इस वबा के ख़तरात को नज़र में रखते हुए, कि जुम्मे के दिन 12 बजे से 3-3.5 बजे तक मुकम्मल तौर पे सब दुकानें बंद होंगी, सब शॉपिंग सेंटर्स बंद होंगे, और हम लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे कि लोगों रोडों पे ना निकलें। मस्जिद में अजान भी होगी और जो मुतय्यन लोग हैं, जो हम पहले कह चुके हैं 3 से 5, वो मुतय्यन लोग उस मस्जिदों में नमाज़ अदा करें जुम्मे की। और तरावियों के लिए हमने कहा है कि तरावियाँ घरों पे हों। ये जो हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है उससे इन्हराफ बिल्कुल नहीं है, ये मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ। सदर पाकिस्तान जिन्होंने ये फ़ैसला उलमा के साथ मिलके किया था, उनकी मशावरत इसमें शामिल है, और उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में जो उन्होंने ट्वीट की है उसमें ये बता दिया है कि फ़ैसले में ये गुंजाइश मौजूद थी कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब हों या ख़राब होने की तरफ जाते हुए नज़र आए तो ये फ़ैसले को बदला जा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबान की सिफारिश पे, उनकी रिकमेंडेशन पे हमने ये फ़ैसला लिया है। अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इस वबा से निजात दिलाए। रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, हम सबका फ़र्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में बैठ के इबादत करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि पूरी दुनिया, पूरे हमारे मुल्क को, आलम इस्लाम को और पूरी दुनिया को इस वबा से जल्द निजात दिलाए। आप लोगों का शुक्रिया।